दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे सोशल मीडिया बटन्स। चलिए फिर बनाते हैं। दोस्तों मेरे पास यहाँ पर एक सिंपल HTML का टेम्पलेट है। तो सोशल मीडिया बटन्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को फॉन्ट ऑसम को ऐड करना पड़ेगा। अब जिन लोगों को फॉन्ट ऑसम के बारे में नहीं पता, वो मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है फॉन्ट ऑसम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर फॉन्ट ऑसम को ऐड करते हैं। तो इसका जो ऑफिशियल साइट है वहां पर जाते हैं, fontawesome.com करके कुछ है, ये रहा। अब यहां से वो लिंक टैग को कॉपी कर लेना है, ये रहा। ब्लू बटन पर क्लिक करने के बाद ये कॉपी हो जाएगा और यहां पर हेड सेक्शन के अंदर यहां कॉपी पेस्ट कर देना है। ये हो गया पेस्ट। तो हम लोगों को जो जो सोशल मीडिया आइकन्स चाहिए उसको सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले फेसबुक का आइकन यहाँ पर डालेंगे, एलिमेंट पेज को हम लोग यूज करेंगे। तो W3 स्कूल्स पे सबसे पहले यहाँ पर जाना होगा हम लोगों को, और इसके बाद आइकन सेक्शन पे, और यहाँ पर ये फेसबुक का आइकन निकालते हैं, क्लास नेम। तो इसका जो क्लास नेम ये रहा, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट। नेक्स्ट आइकन हम लोग यहाँ पर ट्विटर का यूज करने वाले हैं। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करना है। नेक्स्ट आइकन इंस्टाग्राम का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट याहू का, नेक्स्ट यूज कर लेते हैं ट्रिबल का, शायद ट्रिबल से। तो टोटल यहाँ पर 5 है। तो इसको हम लोग यहाँ पर सोशल मीडिया बटन्स बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, ये रहा। अब हम लोग इसको कस्टमाइज करेंगे। तो हेड सेक्शन के अंदर में स्टाइल टैग को डिफाइन करेंगे सबसे पहले, और इन सभी का कॉमन क्लास है उसको यूज करेंगे। अब क्या कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन पे यहाँ पर करेंगे, ताकि अंडरलाइन जो है ये रिमूव हो जाए। अब सबका अपना अपना एक बैकग्राउंड कलर हम लोग सेट कर देंगे। तो सबसे पहले फेसबुक का, इसका हम लोग बैकग्राउंड कलर जो देंगे, यहाँ पर मेरे पास एक कलर प्लेट है, तो यहां से हम लोग लेते हैं, ये सही रहेगा। बैकग्राउंड कलर इसका ये ब्लू सेट करेंगे। इसका ट्विटर का जो क्लास है FA ट्विटर, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और CSS में जो है यहाँ पर पेस्ट करके इसका बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे लाइट ब्लू, तो ये सही रहेगा लाइट ब्लू। और इसके बाद इंस्टाग्राम का, इसका कोई भी कलर हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, टील ये कलर देते हैं यहाँ पर। इसके बाद है शायद याहू, तो उसका कलर भी देंगे इंडिगो या वॉयलेट, जो आप देना चाहें। इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग दे देते हैं यहाँ पर इंडिगो या वॉयलेट, ये सही रहेगा। और लास्ट है ड्रिबल, तो इसका कलर हम लोग पिंक देंगे, सॉरी यहाँ पर डॉट ऑपरेटर छोड़ दिया, हाँ अब सही है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है हम लोग इसका यहाँ पर पिंक देंगे, डीप पिंक या पिंक जो भी देना चाहे, तो ये ठीक है यहाँ पर, और ये हो गया। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। अब सबका अपना अपना बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। अब इसका कलर, क्योंकि सबका कलर व्हाइट रहने वाला है, कॉमन है, तो यहाँ पर FFF मतलब वाइट, ये हो गया। अब क्या है कि फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं हम लोग यहाँ पर, 20px या 20px से ज्यादा आप दे सकते हैं। अब इसका विड्थ सेट करते हैं हम लोग 20px, हाइट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विड्थ के अक्रोटिंग ऑटोमेटिकली हाइट जो है वो यहाँ पर हो जाता है। और इसका जो पैडिंग है ये थोड़ा सा दे देते हैं यहाँ पर,
20px, ये हो गया। अब जो है टेक्स अलाइन सेंटर कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर सेंटर पे हो जाए, ये हो गया। अब क्या है कि माउस इस पर अगर ले, मतलब माउस अगर हम लोग इस पर ले जाए तो इसका कुछ जो है मतलब बैकग्राउंड कलर या कुछ ऑपेसिटी चेंज हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एटीबी और ऑपेसिटी 0.7 या 6 जो भी आप देना चाहें, ये देखिए 7 देते हैं हम लोग। और ये स्मूथली हो इसलिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ट्रांजिशन सॉरी ट्रांजिशन ऑल कर देते हैं और टाइमिंग 0.5s, ये देखिए स्मूथली ये चेंज हो रहा है। अब हम लोग इसमें क्या है कि 3D इफेक्ट भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, उसके लिए क्या करना है, बॉर्डर बॉटम सेट करेंगे यहाँ पर 4 से 5 px ले सकते हैं, सॉलिड रहेगा और वो RGB मतलब ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंसी 0.5 या 0.6 तक आप दे सकते हैं। ये हो रहा है, देख लेते हैं थोड़ा सा फिर से, ये देखिए ये हो गया। तो इसको और थोड़ा डिक्रीज करते हैं 0.2 या 3, हाँ ये सही है। तो अब इस तरह इसको रिमूव करके यहाँ से डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया बटन बना सकते हैं, और अगर आप इसको सर्कल टाइप का आइकन बनाना चाहते हो तो आप वो भी बना सकते हो। उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बॉर्डर बॉटम का जो है इसको रिमूव कर देते हैं, और आपको इसमें सिंपली करना कुछ भी नहीं है, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को यहाँ पर 50% पे सेट करना है, बॉर्डर रेडियस, उससे क्या होगा ये पूरा सर्कल बन जाएगा, ये देखिए। तो आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं सर्कल बना के भी।